बार टूर्नामेंट 2008 में तो स्टेडियम आया था, नरेंद्र खुडनिया पहलवान जो तेने लेकर आया था और उसके तो लात मारी, तेरे भाई ने, तेरे बाप ने, और सुने थारे तो गिरा हुआ इंसान कोई हो सकता नहीं। खुडनिया नरेंद्र पहलवान का भाई एक्सपायर हुआ था, करंट लग गया था उनका, उसके दाह संस्कार के बाद जाकर मैं कृष्ण पहलवान मोगा हलाल प्रिया जो हम कट्ठे रहा करते, अमित नारिया नरेंद्र मातनिया दलाल थारे घर गए थे, तेरे पिताजी बेटा बैठते क्या कही थी कि मराएगा ठीक हुआ मर गया था, ये नहीं ठीक हो मराएगा बिजली चोरी कर करता। सारे भैया ने राम राम भाई। भाई सोशल मीडिया पर वैसे तो मैं आया नहीं करूं, लेकिन आज एक मजबूरी होगी इसलिए मैं आज पहली बार सोशल मीडिया पर आ रहा हूं। भाई अपने दो भाइयों की सोशल मीडिया पर वीडियो चल रही है, दो दिन तक मैं देख रहा हूं, तो कल की वीडियो में दोनों ही भाई मेरे तो खास हैं, भाई जैसे हैं, गुरु भाई भी हैं, वैसे भी भाई साथ रह रहे हैं, दोनों भाई बिल्कुल सेम खास हैं भाई। लेकिन उसमें मेरा मैटर आया है भाई लात मारने का, भाइयों के तो जितने कही है कि लात मार दी भाई, लात मेरा कोई नहीं मार सकता भाई, मैं संपन्न हूं गुरुआ के आशीर्वाद ते, अपनी मेहनत ते, हर चीज में संपन्न हूं भाई, मैं किसी की लात ना तो खा सकता ना कोई किसी में हिम्मत जो मेरा लात मार दे और ना मेरे किसी ने मारी। ये बात भाई जो है लात आड़ी ये भाई गलत है। रही बात इज्जत की, भाई हमने कोई खाड़े में रहते रहते बजरंग की कोई मदद मारे आता हुई है, छोटा भाई समझ कर हुई है करी है, और भाई बजरंग भाई हमारी इज्जत करता है हर आज भी करे है, उसमें कोई फर्क नहीं है भाई। रही बात घर के की, घर के किसके किस बे के कह हैं, मारे घर के किसके बे के कह हैं, या भाई बजरंग के किसके बे के कह हैं, या भाई योगेश्वर दत्त तेरे भाई या तेरा तेरे घर के भाई तेरे गैल रहने के कहे हैं भाई के ना कहते हूँ बात पे मैं निदान चाहता, लेकिन दोस्ती है हमारी और कई साल कट्ठे एक थाली में हमने कट्ठे खा रहे हैं, तो मारी आपस